भाई तूने क्या बोला क्या बोला तूने क्या बोला अच्छा बोला अच्छा बोला काफी हद तक मैच कर जाती है टेस्ट प्रोफाइल में अपनी आयरिश व्हिस्की के साथ। हाँ है ना, अगर ये बोतल आपने पी और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरा पाप लगेगा पाप पाप लगेगा पाप कि भाई बोतल लाइक खत्म की और लाइक दोनों सब्सक्राइब नहीं कराना भाई गलत बात हो जाएगी इसलिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई बोतल कैसी लगी लाके। बिल्कुल ये बहुत प्यारी है बहुत प्यारी है। चलो वेल दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है लाइव दोगुना। बीच में रखिए मैकिंटोस, इधर बैठा है रवि, उधर बैठा है राहुल। और जब आ जाते हैं बाप तो नहीं होती दूसरी बात। बिल्कुल ठीक है, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था मैं इस बोतल को, फाइनली राहुल को जाके ये मिली बोतल। और ये बिल्कुल गलत बात है, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था लेकिन ये दो बोतलें पहले खत्म हो चुकी है और ये तीसरी बोतल आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बोतल इतनी पसंद आई हमको, इसे खत्म करने से पहले टाइम ही नहीं था हमें, तो उसका रिव्यू कैसे डालते हम यार। बिल्कुल एक्चुअली हुआ क्या, जब ये बोतल हमने खरीदी थी जब दिल्ली में डील्स वगैरह चल रही थी, अभी आज से करीब 2-3 महीने पहले का टाइम था वो, और उस टाइम पे पहले तो कहीं मिली नहीं और जब मिली तो एक बारी में हमने सोचा एक तो डील भी चल रही है ऊपर से बोतल भी बहुत मतलब क्या प्यारी दारू है ये, मैंने कहा जितनी मिल रही है आने दो। चार बोतलें रखी हुई थी इकट्ठी तो चारों उठा ली, यानी कि दो के पैसे दिए दो फ्री मिले भाई, एक बचा के रखी हुई थी भाई सिर्फ रिव्यू के लिए, कोई सिर्फ बच गई बस। हाँ मतलब घर पे कोई आ रहा है वो उसकी डिमांड भाई कुछ अच्छी पिलाओ तो ये खुल रही है, हमारा मन कर रहा है यार आज कुछ अच्छा पीने का मन कर रहा है तो ये खुल रही है, कभी कुछ बढ़िया सा ऑफिस का काम कर रहे हैं और कुछ अच्छा पी के साथ में बैठ के पीने का मन कर रहा है तो ये खुल रही है, इस तरीके से हिसाब किताब हो गया। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैकिंटोस के हमने पता नहीं क्या मतलब 10-15 तो हमने भाई कस्टमर ऐसे बना दिए होंगे वो ही मैकिंटोस के भाई। बिल्कुल अमृत का मतलब सबसे सस्ता वाला ब्रांड मेरे ख्याल से यही है, सबसे सस्ता ये 980 रुपीज की डिलीवरी बॉटल आई है ठीक है ना, और क्या ब्रांड है। चलो ना आगे बातें हो भाई, जल्दी से भाई तू अपनी रेसिपी लेके आ, उसके बाद फिर रिव्यू करना चालू करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है दारू के बारे में आगे बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो आगे बताएंगे लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो तब वीडियो में आगे बढ़ेंगे तभी अच्छी रेसिपी मिलेगी आपको। बिल्कुल Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright, you weren't easy, so hard to ignore, pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like, said you look good in the dim bar light, so damn cheesy, who'd have thought you'd fall for somebody like me, when you asked my name I panicked, so out of my league, and your body was so magnetic, before I knew it we talked and I think about you a cocktail, you told me that you've been waiting for somebody like me. The city, how would you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance. Yeah, things value had you at a glance. Yeah, but nobody ever asked if you could dance. Yeah, well, the only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So out of my league, and your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. You told me that you've been waiting. ये ले भाई राहुल, तेरे लिए एक बढ़िया सी दारू तो एक बढ़िया सा चखना ठीक है भाई, लग रहा है कि क्या बना के लाया तू, किस जानवर को तूने आज हलाल कराया ये बता दे पहले तू मेरे को, तू खुद ही डिगेस कर भाई ले। टमाटर के साथ लूंगा तो मैं चकना टमाटर के साथ लूंगा यार, ऐसे ऐसे सोच लिया करो तुम तो। चलो भाई खलियो ना खलियो ना भाई, मतलब कि जब मैं वेट कर रहा था ना दारू के साथ
कुछ अलग हो जाए, वो हो चुका है कली के साथ अमृत। ओए होए होए, आज अमृत पान करेंगे, है ना, स्टार्ट करते हैं। और देर नहीं, नहीं निकालो इसको, इधर साइड में रख दो, मेरे साइड में। और आज दारू तुम खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं पहले बहुत सारी खोल चुका हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो दारू को स्पेशल प्लेस देंगे भाई। देखो आपको आज तक पता नहीं होगी, हमें आज एक चीज पता लगी है भाई, आज ही डिस्कवर करा हमने हमारे भाई ने, पीछे जो कैमरा मैन है ना, जो कैमरा मैन है ना मेरा भाई नवीन, उसका नाम है भाई, उसने अच्छी डिस्कवर करी है। और आज ही पता लगा वाली चीज कि भाई जब आप इसको केस को ऐसे करके खोलते हो ना, ठीक है ना, और ऐसे करके रखते हो, और उसके बाद क्या होता है बताओ भाई। भाई बोतल नहीं डोलेगी तुम्हारी, जो फैल जाती है एकदम बढ़िया स्टैंड है, साथ में ही आ रहा है इसके साथ। भाई कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर जरूर चाहिए इसका भाई, कि किस किसने ट्राई करा, किस किसने नहीं करा, क्योंकि भाई बहुत ही ग्रेट आइडिया भाई। चल भाई आगे बढ़। तो जैसे कि आप देख रहे हो, देखो बोतल की जो बनावट है ना, जो बोतल का डिजाइन है, काफी क्लासिक, काफी प्रीमियम डिजाइन है, ठीक है। एक तो ये नो डाउट काफी कॉमन डिजाइन है, बट कॉमन होने के बावजूद भी इस डिजाइन की खास बात ये कि ये कभी ना आउट ऑफ फैशन नहीं जाती, मेरे हिसाब से सदाबहार चीजों में से जो कुछ चीजें होती हैं, ये डिजाइन उनमें से एक है। काफी बड़े बड़े ब्रांड है जो इस डिजाइन को फॉलो करते हैं, जैसे कि जेमिसन, जिसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी डाल रखा है, और आप चाहें तो उसका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और मतलब और भी बहुत सारी है हमारे चैनल पे, बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें बहुत सारी ऐसी बोटलेज होंगी, इस तरीके की होंगी, जाके आप देखते रहना। मैं ऊपर आई बटन में सारी प्लेलिस्ट ही आज पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, एंजॉय करना। हाँ। फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ढूंढने के बाद जैसे कि मैंने बताया था कि मिली है, और मिली तो क्या मजे ही आ गए, पूरी ढंग से ही पी ली हमने, तो अच्छे से एंजॉय करी है बोतल को। और उसके बाद भी ये एक ऐसी बोतल है जो मेरे ख्याल से, एटलीस्ट मेरे लिए, राहुल अपने लिए खुद बोलेगा यहाँ पे, बट मेरे लिए ये एक ऐसी बोतल है कि अगर मिल रही है तो मैं इसको कभी ना नहीं बोलूंगा। मैं कहूँगा अगर आपको, आपके सामने अगर तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन मतलब क्या, 100 पाइपर, रेड लेबल, और नीचे वाले में जाऊंगा बीपी, ठीक है ना, एंटीक्विटी, तीन ऑप्शन की बात कर रहा था, दारू दारू की बात होती है तो रुकता नहीं है भाई। एंटीक्विटी भी हो गई, ठीक है ना, उसके अंदर रेड लेबल भी हो गई अपनी, बीपी भी हो गई, ठीक है ना, 100 पाइपर भी हो गई, और उसके बगल में आपको दिखता है एक ब्रांड अमृत का, ठीक है ना, मैकिंटोश का। भाई कोई कंफ्यूजन पैदा मत करना, सीधा उसको बोलना जो वहाँ पे बार, जो बार में हो या बंदा हो, भाई मेरे को मैकिंटोश दे दो अमृत का, इतने प्रीमियम दारू भाई। क्योंकि देखो ये एक तो 800 वाली कैटेगरी को बीट कर गया, 980 रुपये में आया, और तुम्हारे 1000 से लेकर 1500 रुपये कैटेगरी में बीट कर गया, क्योंकि ये वो आती हैं, रेड लेबल हो गया, 100 पेपर हो गया, आपका ब्लैक डॉग हुआ, ठीक है ना, ब्लैक डॉग छोड़ो यार, ब्लैक डॉग थोड़ी इसके कैटेगरी की नहीं आई, वो थोड़ी उसमें चली जाती है, थोड़ी हार्ड वाली में, तो उसको तो मैं कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है, 100 पेपर और रेड लेबल भी मैं कंसीडर करता हूँ, थोड़ी सी हार्श लगती है। हाँ। तो रेड लेबल भी मेरे को इतना पसंद नहीं, मैं इसको हटाओ, मैं इसको बोलूंगा अगर आपको इसको मुकाबला देना है ना, तो आप इसको 100 पाइपर, जैसे राहुल ने बोला, दूसरा टीचर्स है, ठीक है, और वैलेंटाइन हो गया, हमने एक फेमस ग्राउस कह लो फेमस ग्राउस की भी रिव्यू किया था, वो भी हो गया, मतलब ये प्रीमियम और अच्छी क्वालिटी, अंडर बजट अच्छी क्वालिटी वाली दारू है। इसके अलावा एक दारू है जो मेरे को लगता है कि जिसको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टक्कर देती है, वो है हमारी आयरिश व्हिस्की जेमिसन, ठीक है, इसका टेस्ट काफी हद तक वैसे मेरे को जेमिसन फिर बहुत, मतलब कि इतने में आप जेमिसन दो ले लो यार, जेमिसन के प्राइस में ये दो आ जाएंगी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये दो आ जाएंगी भाई, ये दो आ जाएंगी जेमिसन के प्राइस में, ठीक है। तो ये उस लेवल की मतलब टक्कर देती है, उन लेवल की दारुओं को ये टक्कर दे देती है आराम से। चलो अभी तक हमने खोली भी नहीं और इतनी बकर कर दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्योंकि भाई ब्रांड कहता है अपने आप को, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात उस ब्रांड की पता क्या है, एक इंडियन ब्रांड है, ठीक है ना, अमृत इंडियन ब्रांड है, बैंगलोर में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये ब्रांड जो चल रहा है ना, वो चल रहा है 1948 से, ठीक है ना, इसके बॉटल पर ऑलरेडी मेंशन है ये वाली चीज़, 1948 से ये लोग प्रोसेस में आ गए थे, डिस्ट्रेट वाला प्रोसेस का शायद थोड़ी बाद में हुआ था, लेकिन 1948 में ये ब्रांड आ चुका था मार्केट में। फाइनेस्ट ब्लेंड ऑफ अमृत मॉल्ट्स, स्कॉटिश मॉल्ट्स एंड ग्रेन व्हिस्की, मैरिड टू परफेक्शन इन सिलेक्ट ओक बैरल्स।
मतलब जो ये इनके जो मॉल्स है ना अमृत, इन्होंने अपने मॉल्स के लिए भी अमृत मॉल्स यूज़ किया है। रीज़न बीइंग कि ये ना एक इन्होंने कुछ फार्मर्स पकड़े हुए हैं और उनको स्पेशली उनसे ये अपने जिस टाइप के ये डिमांड करते हैं उसी टाइप के मॉल्स वहाँ से ये लोग सोर्स आउट करते हैं, ठीक है, एक अच्छा। और फिर उसके बाद ये स्कॉच के मॉल्स वगैरह यूज़ करके अच्छा ब्लेंड बनाते हैं ये लोग, ठीक है। और नो डाउट क्या ब्लेंड बनाते हैं, और जो ये ओक बैरल्स जो बोल रहे हैं ना, ये लिटरली काफी अच्छे तरीके से इसको यूज करके इसको मैच्योर करके सेल करते हैं। क्या ब्रांड बनाते हैं, भाई का चकना बनाता है ना, चलिए ऐसी बना दी ना, आए हाय रबकम। तो आज के टाइम पे ये जो डिस्टिलरी है इसको स्टार्ट किया था मिस्टर एनआर जगदाले, ठीक है, एक्चुअली राधा कृष्णन जगदाले ने इसको स्टार्ट किया था और फिर एना जगदाले ने इसको रजिस्टर किया। आज के टाइम पे ये आई गेस नीलकांत जगदाले हैं जो इसके सीएमओ हैं शायद, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक फैमिली बिजनेस है और क्या अच्छे तरीके से इसको मैच्योर और बना के रखा हुआ है इस बिजनेस को। और सिर्फ एक ये सिल्वर एडिशन जो है मैकिंटो सिल्वर एडिशन, इसके अलावा और भी बहुत सारी वेरियंट्स आते हैं इनके, जो कि इसके बाद तो जो है ना स्टैंडर्ड हाई होता चला जाता है। मतलब मेरे को नहीं पता क्यों, क्या रीजन रहा, ये वेरिएंट आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, पता नहीं। ये एक्चुअली इनका सबसे सस्ता वेरिएंट है, इनकी जो वेबसाइट है ना वो इनके जो जितनी भी प्रीमियम है वो सारी की सारी आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। प्लस इनकी वेबसाइट पे एक स्पेशल इन्होंने टैब बनाया हुआ है अवार्ड्स का टैब, आप जब उस पर क्लिक करोगे और जब आप उसको स्क्रॉल करोगे ना, आप करते रह जाओगे, इतने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। मतलब कि ये लगा लो कि जो बैंगलोर का पास का एरिया है ना, वो तो इन्होंने ये बादशाह है, वहाँ के मैसूर के तो बादशाह हैं, गुंडे हैं वहाँ के, ये मैसूर पूरी गुंडाई चलती है, मतलब हाँ, मतलब इतनी ज्यादा बिकती है वहाँ पे। तो मैकिंटोश नाम कैसे पता चला, हमने इसकी वेबसाइट पे भी ढूंढा और काफी इधर उधर ढूंढा, इधर उधर की बहुत सारी कहानियां लिखी थी, बट कोई सोर्स प्रॉपर पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आपको अगर पता हो तो मैं ये ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसमें ये जो फोटो लगी हुई है किसकी लगी हुई है और ये मैकिंटोश नाम कैसे आया, ठीक है। अगर आप अगर सही जवाब देते हैं जिसको हम वेरीफाई कर लेते हैं सोर्सेस से, तो प्रॉपर वीडियो बनाएंगे आपके नाम के साथ जो इसका जवाब देगा, क्यों, अरे भाई क्या बात की है, ठीक है, जो इस चीज़ का जवाब देगा हम उसका उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, उसका वीडियो बनाएंगे भाई, दिवाली वाले उसमें, और हाँ। दिवाली में स्पेशल नाम उसका लॉन्च करेंगे भाई हम, जो हमें बताएगा कि ये फोटो किसकी है और इसका नाम मैंने तो क्यों रखा। हाँ ठीक है, हम तो अपनी रिसर्च कर ही रहे हैं, हमें पहले पता चल गया तो कोई बात नहीं, एक तरीके कुछ समझ लीजिए आज ये हमारे चैनल पे, जो भी इसका नाम बताएगा किस कैसे पड़ा और ये फोटो किसकी है, हम उसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे जिसमें उसका नाम लेके बताएंगे और इसके बारे में और थोड़ी सी बातें करेंगे, बिल्कुल है ना। तो भाई आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोजिंग कर लेते हैं जो कि हमने काफी बार करी हुई है। बॉडी बहुत अच्छी है भाई, कलर थोड़ा सा एम्बर कलर है, थोड़ा सा एम्बर कलर, बहुत ही अच्छा कलर जो कि बहुत ही अच्छी स्कॉच में माना जाता है, वो वाला कलर थोड़ा स्कॉच वाला है ना। हाँ तो नोजिंग करते हैं, ओहो पूरे दिन में अगर भाई मैं बताऊं वो जो प्यार का पंचनामा शायद देखी होगी, उसके अंदर जब मैनेजर से झड़प होती है ना, उसके बाद भाई अगर एक ऐसी वाली तो मिल जाए ना भाई, ओहो मजेदार, आप गुस्सा नहीं करोगे, मैनेजर से प्यार करने लगोगे। भाई तूने क्या बोला क्या बोला अच्छा बोला जितने भी होते हैं उनके आपको मालूम पड़ेंगे इसके अंदर नोट, फ्लावरी वनीला, मतलब क्या क्या है इसके अंदर भाई, मैं तो क्या बताऊँ, ठीक है ना। और आज जो स्टैंड बनाया ना मेरे भाई ने, भाई एक नंबर भाई, ठीक है ना, मजा आ गया, काफ़ी अच्छी इसकी नोजिंग है, आपको फ्लारी और थोड़ी सी फ्रूटीनेस नोजिंग के टाइम पे पता चल जाएगी, हल्के फुल्के नटीनेस भी आपको पता चलेगी, क्यों, बिल्कुल, और है ना, रेस करते हैं, बिल्कुल चलो। मुंह तो नेस का कोई जवाब, इतनी प्यारी दारू है कि जुबान ही फिसल जाती है, काफी हद तक मैच कर जाती है टेस्ट प्रोफाइल में अपनी आयरिश व्हिस्की के साथ। हाँ है ना, बताऊँ भाई जो लौंग का जो टेस्ट आता है ना इसमें, ओए होए, वो मेरे को किसी और व्हिस्की में पसंद नहीं आया आज तक, जो स्पाइसीनेस है ना, हाँ
जब खत्म हो जाता है ना टेस्ट, तो फिर स्वीटनेस चालू होती है फिर। हाँ, तो काफी हद तक मतलब इसमें ना काफी जितनी भी चीजें इसमें आपको फील होंगी काफी बैलेंस्ड है। अब मैं बताता हूँ मेरे को क्या फील हुई है, राहुल फिर अपना बताएगा। मेरे को इसमें थोड़ा सा कार्डमम, थोड़ा सा इलायची का फील हुआ है इसमें, जो कि जब ये फिनिशिंग में जाती है ना तब हल्का सा स्पाइसीनेस आपको फील होना स्टार्ट होते हैं, तो कार्डमम और लौंग उस टाइम पे फील हो जाती है। क्योंकि मैं कुकिंग पसंद है तो मैं स्पाइसेस बड़े जल्दी से कैच कर लेता हूँ, तो मेरे को पता चल जाता है। उसके अलावा आपको इसमें वनीला है, हल्की सी मिठास है, वो बढ़िया मजा आता है उसका पीने का, उसका अलग मजा है। और बाकी मैं कहूँगा कि टेस्ट प्रोफाइल ही ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को अलग मालूम पड़ा, रवि को अलग मालूम पड़ रहा, सेम ही है ना। कार्डमम हुआ आपका, सिनेमन हुआ आपका, ये सब मालूम पड़ रहे हैं, मतलब इसमें बहुत ही अच्छा, मतलब और ऐसा कुछ नहीं कि आपको जब आप विस्की पियोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि आप विस्की पी रहे हो, आपको लगेगा बहुत ही अच्छा एक प्यारा सा फ्रूटी नटी सा और एक बैलेंस वाली एक विस्की आप पी रहे हो, स्कॉच पी रहे हो आप, ये कहूँगा विस्की तो कहूँगा नहीं मैं। हाँ, ये एक्चुअली मैं भी आपको सही बताऊँ ना, ये एक ऐसी है आप खुद अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक दो ग्लास ऐसे लेना और अपने कोई फ्रेंड हो जो उसको बड़ा शौक हो विस्की का, जिसको थोड़ी बहुत पहचान भी हो, उसको बिना बताए ना दोनों ग्लास में एक तरफ कोई भी उसके पसंद की स्कॉच डाल लेना और एक तरफ ये डाल देना और उसको देना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा उसको ये बताने में कि कौन सी स्कॉच है कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, ठीक है। हाँ, हो सकता है अपनी स्कॉच वो बंदा पहचान ले, ऑब्वियसली बात है जिसका जो टेस्ट है वो तो इजी पहचान लेता है, बट वो सामने इसको ये नहीं कहेगा कि स्कॉच नहीं है। बिल्कुल, इस इतना मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि इतने अच्छे प्यारे नोट्स हैं इसके, मतलब अंडर 1000 अगर आपको स्कॉच वाले मजे चाहिए ना, तो ये आप इजिली पिक कर सकते हो, है ना, आप इजिली पिक कर सकते हो। ये विस्की मैं ये कहूँगा कि सेकंड नंबर पे है मेरे उसमें, इससे अगर मेरे को इसके अलावा कोई और विस्की जिसको मैं टॉप पे रखता हूँ तो वो इंडिया है, में इंडिया में तो सेकंड नंबर इंडिया में तो वो है अपनी स्टार वॉकर भाई। हाँ, एक वो भी लाजवाब विस्की है, स्टार वॉकर अच्छी लगती है हमें, 100 पाइपर अच्छी लगती है, और ब्लैक डॉग का तो भाई एक अलग ही फैन बेस है, तो ब्लैक डॉग का तो भाई ब्लैक डॉग, ठीक है। तो ये है इसके नोट्स, ज्यादा अनकॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है बट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, मतलब एक अच्छा खासा बैलेंस है इसमें सारी चीजों का, ठीक है। और इन्होंने एक जो इन्होंने लाइन ऐड करी हुई है कि ये लोग इसको, इसका जो ब्लेंड है इसको बर्बन कास जो ये इंपोर्ट कराते हैं उसमें फिर इसको मैच्योर कराते हैं, तो जो मिठास है ना मेरे ख्याल से शायद उस कास की भी एक मिठास है इसमें, मजेदार है जो भी है। आई रियली लाइक इट, है काफी अच्छी विस्की है ये। मजा आया, एंजॉय कर सकते हो आप हर कंपनी के साथ। अब जल्दी से इसमें पानी मिलाओ थोड़ा, मैं डूब ही आता हूं। नीट नीट में ही खत्म कर जाते हैं हम लोग, कुछ विस्की तो ऐसी इतनी टेस्टी लगती है। चल भाई वाटर ऐड करो। ठीक है, तो वाटर ऐड करते हैं, देखो देखते हैं क्या टेस्ट में फर्क आता है क्या नहीं आता है। कलर हल्का सा और थोड़ा सा लाइट हो गया, लाइट हो गया, अच्छा हो गया, मतलब और अच्छा लग रहा है, मतलब कि अब शैंपेन बन गई भाई। ठीक है ना, चल भाई चीयर्स। ओ हो हो, नोजिंग और कॉम्प्लीमेंट हो गया भाई, काफी कॉम्प्लीमेंटरी, काफी प्लेजेंट हो गया। तो जहां मिले ना भाई ले लेना, अच्छी है, काफी अच्छी। थोड़ी सी अब ना आपको स्पाइसेस नोजिंग के टाइम पे फील हो जाएंगे। चलो नोजिंग तो अच्छी होगी। चीयर्स। आई प्रेफर मीट बिट टू स्मॉल आइस क्यूब्स भाई, मेरे को तो उसमें मजा है भाई। लेकिन ये देखो नो डाउट अच्छी है, बट पानी मिलाने के बाद ना ये एक काफी होलसम हो गई है। हाँ, ये कहूंगा काफी होलसम हो गई है, इसलिए कि ये अब पानी जितना पानी हमने मिला इतना पानी आप मिलाओगे ना, हाँ, तो हर तरीके के कस्टमर को ये चीज ये पसंद आएगी। कुछ होते हैं ना जिनको हार्ड पसंद आता है, पानी हमने मिलाया ना उतना दो आइस क्यूब के अंदर पानी होगा मेरे ख्याल से, ज्यादा नहीं है ना, एक आइस क्यूब, ठीक है, और उतना आप आराम से इंजॉय कर सकते हो और मजेदार, मतलब थोड़ी सी थोड़ा ठंडा होना, थोड़ी ठंडक, थोड़ी आइस, तो मजा क्या कहने वाला है। चलो तीसरी भी, चौथी भी खत्म। कोशिश करेंगे थोड़ा बचाएंगे इसको, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे इसका, देखो किसी के साथ अगर मिलता है कुछ इसके लाइक। चलो बाकी मेरे को तो बहुत पसंद है। राहुल तुझे? आई रियली लाइक इट। ठीक है, और आप भी हमें कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगती है ये। ठीक है, और ज्यादा कुछ है नहीं, चखना, अमेजिंग चखना है के भाई।
भाई इस बॉटल के साथ ना ये वाला चखना ट्राई नहीं कराना, आपने कुछ नहीं ट्राई करा। और इसी बॉटल के साथ नहीं, कोई सी भी अगर आप विस्की खोल रहे हो ना उसके साथ अगर ये चखना बना लोगे आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और मैं कह रहा हूँ इसको मस्ट ट्राई चखना है वाला। अब बहुत इजी बनता है, बहुत मिनिमम से इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाता है, जरूर ट्राई करना ठीक है। बाकी राहुल अपनी अर्जी लगाओ, फिर मैं भी अपनी बात बोलता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। पहले आज तू लगा दे, पहले तू खत्म काम खत्म करे यार। तो देखो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली ठीक है ना। मैं कहता हूँ भाई 6 बोतल खत्म करने के बाद हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई, ये बनता है ठीक है ना। बिल्कुल, अगर ये बोतल आपने पी और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा, पाप लगेगा, पाप पाप लगेगा पाप। ये भाई बोतल लाइक खत्म की और लाइक दोनों सब्सक्राइब नहीं कराना भाई, गलत बात हो जाएगी इसलिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई बोतल कैसी लगी। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। चलो वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए वीडियो में, एक नए रिव्यू, एक नए ब्रांड के साथ। तब तक के लिए लाइव दोगुना की तरफ से और मेरे राहुल की तरफ से शेयर सच्चे रहिए और पीते रहिए। बिल्कुल।